देखिए भाई साहब, ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी पूजा चल रही है, आप माफ थोड़ा बाद में ले सकते हैं। ये पूजा तो नहीं हो सकती, चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रहे हैं उनको? आपको काम करना है, करिए, हाथ वाथ मत लगाइए लोगों को, दिक्कत हो जाएगी। सेठ, कूल डाउन, कूल डाउन प्लीज। हाँ ठीक है, चलिए 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 चलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। सोच क्या रहे हैं आप लोग? बाहर निकलिए, बाहर निकलिए आप लोग। आइए हम लोग, बाहर निकलिए। पंडित जी आप भी आ जाइए, पंडित जी आप भी बाहर निकलिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब जा बाहर निकलिए। चलिए प्लीज, चलिए आइए पंडित जी, आप भी बंद करो दरवाजा। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाएगा। रोशनी, प्रशांत मेरे साथ चलिए। मिनट प्रशांत, ये शर्मा जी का नंबर है, इनसे बात कर, हमारे ऑफिस में जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं यही डील करते हैं। डॉक्टर यजमान, मुहूर्त निकला जा रहा है, ये सही तरीका नहीं है। शर्मा जी, मैं सिद्धार्थ में सिद्धार्थ का फ्रेंड प्रशांत बोल रहा हूँ, और देखिए मैं बाइंदर में रहता हूँ, कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ये सब क्या हो गया? रस्म शुरू होने से पहले ऐसा सब होना अपशकुन माना जाता है। कहीं इस मुश्किल को खड़े करने का घिनौना काम दुर्गा ने तो नहीं किया? हेलो शर्मा जी, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ मैं। जिंदगी भर परेशान रहने से अच्छा है कि अभी कुछ देर दुखी हो लो, वरना अगर ये शादी हो गई ना रोशनी, तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तुम्हें इन फटीचरों की वजह से कितने दुख झेलने पड़ेंगे। अपनी बेटी की शादी मैं अपनी आंखों के सामने करूंगी, अपने तरीके से। गुड जॉब सर। थैंक यू सो मच बेटा, मैंने तुम्हें शॉर्ट नोटिस पे फोन किया और तुम तब गया। सीरियसली थैंक्स अ लॉट, सी यू, बाद में फोन करते। हेलो सासू माँ, जब आप आई गई थी टिल बहेंदर, तो रुक के देख लेते कि अपने रोके में आपकी बेटी लग रही है कितनी सुंदर। अरे बाप रे, देखा कैसे पोएटिक हो गया मैं आपसे बात करके। आपसे बात करके ना मेरे सारे फुकरे टैलेंट ऐसे कूद कूद के बाहर निकलते हैं। अरे क्या मुझे इधर उधर ढूंढ रही हैं आप? अपनी मन की आंखों से देख रहा हूँ मैं आपको। आपकी स्वागत के लिए मैंने कितना कुछ किया, खाकरा ढोकला फाफड़ा उंधियो कितना कुछ मंगाया, वो भी डाइट, लेकिन आप आई नहीं। चलो कोई बात नहीं, जाते जाते आपको एक पोएटिक लाइन और सुना देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहते पानी को रोकने की कोशिश मत कीजिए, वो तो बहेगा, और ये रोका भी रुकेगा नहीं, होके रहेगा।